मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानता नहीं ये जो क्रिया मस्तक में क्रिया हो रही है वो मंत्र जाप से हो रही है या प्राणवायु की हो रही है? मंत्र जाप से हो रही है या प्राणवायु से हो रही है? हाँ हाँ हाँ। तो वो जो क्रिया जो है वो क्रिया मेरे जो ध्यान नहीं लगता उसका कारण वो क्रिया है क्या और कुछ है? क्या क्या ध्यान नहीं लगता? कहाँ क्रिया? इन्होंने आज्ञा चक्र पे बताई ना, वो क्रिया का केंद्र बिंदु यहाँ होता है जी, बाद में वो मस्तिष्क में, पूरा मस्तिष्क में वो लोहे की छड़ी जैसे घूमते हो। हाँ, ऐसा पिछली बार भी कुछ बता रहे थे ये। हाँ, क्रिया होती, फिर इन्होंने कैसा घूमने को उदाहरण किसका दिया? लोहे का छड़ी जो होती है, लोहे की छड़ी जैसे घूमता। हाँ, शायद वो प्राण घूमता होगा, ये ऐसा महसूस करते हो कि लोहे की छड़ी जैसा घूमता है। हाँ, देखो मंत्र वो क्रिया मंत्र जप की है या प्राणवायु है? आप ध्यान लगाते हैं क्योंकि अभी तक जो साधकों ने बताया कि मेरी प्राणवायु सिर में भी काम करती है। आप हिंदी तो अच्छी समझ लेते हैं ना? हाँ समझ रहे हैं। हाँ, बहुत से साधकों ने बताया कि मेरी प्राणवायु यहाँ भी काम करती है, यहाँ भी काम करती है। होता क्या है, जो मस्तिष्क है अंदर और उसके अंदर नाड़ियों के अंदर प्राणवायु घूमती रहती है, वो आपको ऐसा महसूस होती है कि यहाँ हो रहे। ये एक मैं तो यही समझता हूँ अच्छी बात है। और यहाँ से होता है ये आज्ञा चक्र, ये तो क्रियाशील होगा ही होगा। आप जब ध्यान करेंगे, मंत्र जाप भी करेंगे तो भी होगा। अगर मंत्र जाप करते समय आप मन यहाँ लगाएंगे तो यहाँ ज़्यादा होने लगेगा, जैसे ओम ओम जब करेंगे ना बंद करके तो यहाँ क्रिया ज़्यादा होगी, ऐसा लगेगा शरीर हल्का हो गया, ऊपर खींच रहे हैं आप। मंत्र जप के वक्त बस मंत्र जप 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 करता है वो क्रिया में करता है तब वहाँ ज्यादा होता है तो। हाँ, वही प्राणवायु क्रिया कर रहा है, उसके बाद में यहाँ चालू होता है तो वो पूरा दिन चल रहती है जब तो सोना जाओ तब। सही बात तो ये है कि अच्छी बात है। ध्यान क्यों नहीं लगता? तो वो प्राणवायु बात कर रही है, क्रिया कर रही है, ध्यान ना लगना ये एक अलग बात है। हाँ, कुछ न कुछ लगता होगा, नहीं तो यहाँ क्रिया नहीं होती, कुछ न कुछ ध्यान लगता होगा। आप कैसे आकलन करते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगा? आकलन कैसे करते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगा? आप मराठी में कर दें। अच्छा, उनका कहना है कि मैं मार्स से कर रहा हूँ लेकिन मुझे एक भी अनुभव नहीं आ रहा है, इसलिए उनको लग रहा है कि ध्यान नहीं लगा। अनुभव न आना ये नहीं दर्शाता कि आपको ध्यान नहीं लगता है। महत्वपूर्ण है ये है कि जब आप ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी देर के लिए मन ठहरेगा, शांत रहेंगे। हाँ, आवाजें भी सुनाई देंगी शुरुआत में, ऐसा नहीं है जैसे कोई अगल बगल में आवाज आ रही है, घर में आपके पड़ोस से या सड़क की आवाज या हॉर्न वगैरह का आवाज या बच्चे खेलने की आवाज आएगी, इसका ये प्रमाण नहीं है कि ध्यान नहीं लग रहा है। किसी किसी को अनुभव नहीं आता है और ये चित्त की अंतःकरण की स्थिति है, थोड़ी क्या कहना चाहिए, पूर्व काल में के संस्कार सहायता नहीं कर रहे हैं, अर्थात पूर्व काल के ऐसे संस्कार नहीं विकसित हो, मतलब अंदर से उनका सहयोग कर रहे हैं कि आपको ध्यान में थोड़ा आगे जल्दी से बढ़ाएं। इसका हम अपने ढंग से ये सोचते हैं कि शायद पूर्व काल में इतनी ज़्यादा साधना नहीं की होगी, मगर उस विषय को ना सोचें। बहुत से साधक बड़ी जल्दी आगे पहुँच जाते हैं या उनका ध्यान बड़ी जल्दी लग जाता है। ध्यान लगता होगा, अगर नहीं लगता तो यहाँ स्पंदन या क्रिया नहीं होती। बहुतों की तो कुंडलनी ऊर्ध हो जाती है, ऊपर आ जाती, मगर उन्हें अनुभव तो नहीं आते। कभी कभी ये कहते हैं कि मुझे महसूस भी नहीं होती है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ मिरज का। जब मैं मिरज में था तो ट्रस्ट में कैशियर थे, उनकी कुंडलनी जब माता जी ने जागृत कर दी तो उनको बिल्कुल महसूस नहीं हुई, जबकि उनकी कुंडलनी गले तक आ गई। मैं आश्रम में रहता था, हमारी उनकी बहुत बनती थी, शायद अब बैंक से रिटायर हो गए होंगे क्योंकि मेरे से थोड़े उम्र में बड़े थे, 2-3-4 साल। तो मेरे पास आए कि आनंद कुमार माता जी ने मेरी कुंडलनी ऊर्ध कर दी है, ऐसा उन्होंने बताया और ये ऐसा किया।
लेकिन हमें दिखाई क्यों नहीं देता? आप बताते कि ऐसा होता है वैसा होता है और अनुभूति भी नहीं होती है। कृपया आप बता दें कि मेरी कुंडली उर्ध होती है कि नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। मैंने कहा आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, शंका क्यों कर रहे हैं, जब माता जी ने उर्ध कर दी तो कर दी, जो वो कह रही तो कह रही हैं, मतलब कहने का सत्य ही है कि नहीं। फिर भी हम आपसे जानना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है बैठो, संडे का दिन था, छुट्टी थी, तो कोई बात नहीं, समय का तो कोई समस्या ही नहीं थी। बैठे, मैंने देखी कि हाँ कुंडलनी जा रही है। फिर मैंने बताया कि आपकी कुंडलनी कंठ चक्र तक जा रही है, लेकिन हमें महसूस क्यों नहीं होता? जब तक मैं मिरज आश्रम में रहा उन्हें महसूस नहीं होती थी। तो कहने का मतलब कभी कभी कुछ साधकों को अनुभूति या अनुभव नहीं आते हैं, अनुभूति होती है, किसी किसी को अनुभूति भी नहीं होती है। और मगर होता क्या है कि उनका मन प्रसन्न होता रहता है। जैसे ध्यान आप करेंगे तो ध्यान के बाद आपको कुछ प्रसन्नता जैसी महसूस होगी और शरीर में कुछ हल्कापन सा लगेगा, जो शरीर भारी भारी सा लगने लगता है तो ध्यान के बाद ऐसा लगता है जैसे मैं हल्का हो गया हूँ या प्रसन्न सा हो गया। तो प्राणायाम आप अधिक करें, खाना भी सात्विक करें। प्राणायाम कितना करते हैं आप? दिन में 3 बार करता हूँ, साधना भी दिन में 3 बार करता हूँ। 3 बार करते हैं दिन। कुंभक कितना लगाते हैं? पहला 55 सेकंड का लगता है और दूसरा 25 सेकंड का, मतलब फिर कम हो जाता है। 55 सेकंड का तो सही है, लेकिन धीरे धीरे अवधि यानी समय बढ़ाइए। जब स्वभाव से 1.5 मिनट हो जाएगा पहला कुंभक, और दूसरे तीसरे चौथे सभी 1 मिनट के हो जाएंगे तो आपको महसूस होगा। नहीं, आपका ध्यान तो लगता है लेकिन उतनी शुद्धता ना होने के कारण अनुभूति नहीं हो पा रही है। थोड़ा बढ़ाएं। और खाना आप कैसा खाते हैं घर में, यानी मसालेदार वगैरह? पिछले मार्च से दही और रोटी खा रहे हैं बस। मसालों का और मिर्च वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं? तब तो शरीर शुद्ध होना चाहिए, फिर खाना तो आपका अच्छा है। प्राणायाम थोड़ा जोर से करो, यानी कुंभक को, पहले कुंभक को 1.5 मिनट तक ले जाने की कोशिश करो, और जब बाद वाले कुंभक हैं तो वो 1 मिनट तक अगर रह जाते हैं कोई बात नहीं, पहला ज्यादा होता है और बाद का कम होता है। बाद वाले कुंभक जो है तो जड़ से नीचे उतर जाता है, इतना देर नहीं रुक जाते? हाँ नहीं रुकेगा वो, सही है, नहीं रुकता, किसी का नहीं रुकता है। जो जिन साधकों को मैं सिखाता हूँ तो पहला कुंभक 2.5 मिनट का होता है, बाद में 2 मिनट 2.25 मिनट के आसपास होता है, तब शुद्धता बढ़ती है। धीरे धीरे प्रयास करो, एकदम जबरदस्ती मत करना। तो मैंने आपको उदाहरण भी दे दिया मिरज का और नाम भी बता दिया एकदम क्लियर कि उनको ऐसा हुआ था। तो आप ये ना सोचें कि अनुभव नहीं आते हैं तो आपका ध्यान नहीं लगता, क्योंकि आप स्वयं कहते कि मुझे यहाँ पर क्रिया होती है। वो तो क्रिया तो दिन भर चल रही है ना फिर? हाँ, वो स्पंदन होता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता होगा, बिल्कुल नहीं करता होगा, उसको क्रिया नहीं हो रही होगी। आप किसी से पूछना, अपने जानने वालों से, ठीक है ना? इसका मतलब आपका ध्यान लगता है, क्रिया हो रही, कुछ ना कुछ तो आध्यात्मिक प्रकट हो ही रही है। आपने कहा सरिया, आप ऐसा कह रहे हैं कि सरिया जैसा घूमता है, सरिया नहीं होता है, नाड़ियों में घूमता है, उसको आप ऐसा महसूस कर रहे हैं सरिया जैसा? नहीं, ऐसा मुझे ऊपर जो ऐसे डस रहा है, तो चुभना नहीं चाहिए, होता क्या है कि नाड़ियों में प्राणवायु दबाव देता है तो लगता है कि दबाव देता है, बंद होती है ना तो दबाव देता और उसमें हल्का हल्का दर्द भी पैदा होता है, दर्द होता है, तो वो शुद्ध हो रही होती है। ये चीज अच्छी है, कुछ कष्ट सहना पड़ेगा। जब मैं माता जी के पास था तो इतना दर्द होता था सिर अशुद्धता के कारण कि सिर पकड़ के मैं गिर जाता था, एक बार गिर पड़ा, दर्द सहन नहीं हुआ। तो वहीं पर दो शादिकाएँ मेरी गुरु बहनें थीं, जलगांव से संबंधित थी, एक तो मेरी उम्र में उस समय कम थी, मेरी उम्र भी कम थी, लगभग रही होगी उम्र 30 साल, और एक मेरे से बड़ी थी 10-12 साल। तो बड़ी वाली जो वो थी वो तो सिर पकड़ के मुझे जबरदस्ती बिठाने लगी और सिर दबाने भी लगी, मैं दर्द से परेशान था, माता जी खड़ी थी, इतना दर्द होता था। फिर हमारी उन दोनों शादिकाओं से बहुत बनी, इतनी बनी कि सभी लोग जानते थे। और एक गुरु जी छोटे से मांगे मेरी,
मंत्र जाप के वास्ते मुझे एक मंत्र चाहिए आपसे। मंत्र चाहते हैं? यही जो ओम मंत्र बोलते हैं इसका जाप कर लेना। ओम जब ओम मंत्र से यहाँ करते हैं ना तो इस जगह कुछ समय बाद इस जगह को क्रिया होगी, फिर कहेंगे इसमें वही आप सरिया कह देते हैं प्राणवायु तो ही रहेगी, बुद्बुदी भी होगी, बुद्बुदी सिर्फ ओम मंत्र के समय बल्कि जब आप भौतिक काम कर रहे होंगे तो भी यहाँ पर क्रिया हो रही होगी। इसका हो सकता है कि रात्रि के समय आप जाग जाएं तब भी यही क्रिया हो रही होती। जब नींद खुल जाती है तब वो चालू हो जाती है। हाँ तो चालू होती, प्राण है ना क्रिया कर रहा, तो एक अच्छी बात है, ये अच्छी बात। ये मत सोचो कि सरिया जैसा अड़ा है, बल्कि प्राणवायु क्रिया कर रही होती है, आपकी सूक्ष्म नाड़ियां खोल रहा है मतलब, और उसके अंदर गंदगी भरी हुई है, यानी जैसे पाइप होता है ना, पाइप के अंदर मिट्टी भर दो तो उसको निकाला जाए तो दर्द सा, तो उसमें गंदगी तमोगुण भरा होता है, शुद्ध प्राणवायु उसमें दबाव दे दे के साफ कर रही होती, तो साधक को दर्द जैसा महसूस होता है या इस तरह का कठोरता जैसा महसूस होता है। हाँ, ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए और होगा भी, बल्कि अभी कम हो रहा है। प्राणायाम कुछ ज्यादा करें, कुंभक बढ़ाएं और भस्त्रिका भी करें, भस्त्रिका जरा जोर से, मगर इतना जोर से नहीं कि जैसे कि एक लड़का कहता है कि मैं भस्त्रिका करता हूँ एक बार खून निकल आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उचित मात्रा में करना चाहिए। आप अपनी जगह पर सही हैं, सिर्फ थोड़ा सोचने का तरीका भिन्न है, ऐसा ना सोचें, सही क्रिया हो रही है आपको। भस्त्रिका भी अब करना और कुंभक बढ़ाना, कुंभक की अवधि यानी समय थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, 1.5 मिनट तक ले जाओ, धीरे धीरे, जबरदस्ती नहीं करना, हो जाएगा 4-6 महीने में अगर प्रयास करेंगे, थोड़ी घबराहट ज्यादा होती है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।